हिंद दोस्तों, मैं विकास आपके सामने एक बड़ी न्यूज़ लेकर। देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि एनटीपीसी के अब 20 गुना अभ्यर्थी ले जाएंगे। जो स्ट्राइक वगैरह हुई थी और कमेटी बैठी थी उसके अनुसार, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि 20 गुना अभ्यर्थी ले जाएंगे। अब ये है कि जो बच्चे क्वालिफाई हो गए थे वो क्वालिफाई ही रहेंगे, और जो शेष बच्चों का रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी किया जाएगा, जितने भी गुना बच्चे बच रहे हैं। और जो जिनका पहले से ही नंबर आ चुका है उनका नंबर पहले से ही रहेगा, ये नहीं कि उनका दोबारा रिजल्ट आएगा, वो क्वालिफाइड ही रहेंगे। और ग्रुप डी के लिए भी न्यूज़ है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी अब एक ही स्टेज में होगा, दो स्टेज में नहीं होगा। और जहाँ तक है कि अप्रैल 2022 में रिजल्ट आ जाएगा एनटीपीसी का, एडिशनल बच्चों का जो रिजल्ट है, और मई में सेकेंड स्टेज एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा और उसकी भी डेट आ चुकी है ग्रुप डी की। तो आइए सुनते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि डेट आ चुकी है एनटीपीसी की भी, कि एनटीपीसी में भी 20 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे आप लोगों की स्ट्राइक के द्वारा, जैसे भी संभव हुआ। ये सब कमेटी बैठी थी रेलवे की, मैंने आपको बताया था एक वीडियो में। तो और एनटीपीसी का रिज़ल्ट एडिशनल होगा अब, और बच्चों का भी आएगा, और जो बच्चे क्वालिफाइड हैं वो क्वालिफाइड ही रहेंगे, और आगे का 20 गुना रिजल्ट जो है बच्चों का, शेष बच्चों का दिया जाएगा जल्दी ही। और आपको पता है लेवल वन ग्रुप डी की पोस्ट की भी पेपर अब शुरू होने वाले हैं, डेट दे दी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो तैयारी करते रहिए। अब पेपर भी ज़्यादा दूर नहीं है, अगर जैसे दे रखा है उस हिसाब से हुआ तो जल्दी पेपर है, तो आप तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और आप लगे रहिए, अपने प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, उम्मीद करते हैं अब की बार आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। थैंक यू।